गुड मॉर्निंग गाइस, अभी अभी उठे हैं भाई। अब फ्रेश वगैरह होना है। आवाज़ सुन रहे हो कैसी हो गई है? बस अब इनका पेपर है, थोड़ी देर पहले अब ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे, उनको छोड़ेंगे। मैं तो फ्री हूँ आज, देखते हैं मैं क्या करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू भाई जान। थैंक यू। ठीक है, 100 रुपये को नहीं बोला रहा, वो ऐसा भेज दिया उन्होंने। गाइस, वो निकल चुके हैं पेपर देने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, पहाड़ यहाँ के खूबसूरती बताता हूँ भाई। यार कुछ लग रहा है, पता नहीं क्या कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा कि नहीं, बताता हूँ आपको। देख रहे हो भाई, यार कुछ भी हो भाई, हिमाचल के अलग नज़ारे हैं। ये दृश्य और कहीं नहीं मिलते, यही मिलते हैं हिमाचल में ही। अब भाई वो तो चले गए पेपर देने, मैं यहीं पे हूँ रूम में, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, और क्या करना है। मेरे बीच ही होता है, मेरे रिव्यू आ जाएगी संतु की। इनके पेपर हाँ, का आ जाएगी रिव्यू। अतुल की, क्योंकि यही सोच रहे होंगे वो। यही सोच रहे होंगे वो। अरे क्या मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। भैया, रिव्यू क्या देना हमें? अनएक्सपेक्टेड यूपीएससी को ना, कौन यूपीएससी सी यू सीरीज जो पे है ये ना, डी अनएक्सपेक्टेड ये पब्लिक डी सर्विस डी कमीशन। डी जो डी वालों के साथ, वो किसी के साथ भी नहीं हुआ है। क्यों? हाँ, मैं पता है कैसे कैसे क्वेश्चन है। पहले इकोनॉमिक्स के इतने अजीब से क्वेश्चन मारते, वैसे मोरल डाउन, ये तो वैसे डाउन। ये तो एंड में पूछते पूछते ना हिस्ट्री और पॉलिटी। पिछले साल भी पहला क्वेश्चन मेरे को याद है कि उन्होंने इकोनॉमिक्स का पूछा हुआ हाँ, मेरे को। तेरा मेरा मेरा भी इकोनॉमिक्स, मेरे डी था पिछली बार, और डी वो क्वेश्चन था यार, कौन से आईएमएफ वाला क्वेश्चन था वो जो। भाई रिव्यू अब लेना चाहता हूँ मैं तीनों का। कोई रिव्यू नहीं भाई, अनएक्सपेक्टेड रिव्यू नहीं। बंदे पता क्या बोल रहे थे उधर, सुना बोला 60s में जाएगी, बोला पेट्रो। हाँ मुझे खुद लग रहा है 60s में जाती है, मेरे को जाए कि 85 उतने के आसपास। भाई आप क्या बोलना चाहेंगे यार? संतु भाई वो सब जा चुके हैं पेपर देने, और मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ। अब पेपर ख़त्म हो जाएगा उनका, फिर सोच रहे रात को निकल जाए। बट बोल रहे हैं दोस्त, बोल रहे हैं कि रात को नहीं निकलना, देखने क्या बनता है। अगर रात को निकले तो लाइट चाहिए। अब आ जाइए भाई, देख क्या कर रहा है भाई, केड़ा ऐसे पेपर कैसा गंदी अंग्रेजी हो हुआ कैसा ये बताओ। अरे यार इसका कॉम्प्रिहेंशन तो ठीक हुआ, मैथ का पता नहीं क्या हुआ। अरे मेरे को भी डाउट हो रहा था कि ना मैं पता किस रे से कर रहा और हूँ। रीजनिंग 10-0 है ना, रीजनिंग मतलब भाई दस अच्छा हो गया ना, मतलब मतलब 10-0 है ना। हाँ मैं सोचा था कि तो भाई अब हम जा रहे हैं उसको लेने, सौरभ को, उसका उधर भी जाए आएंगे जो स्टेडियम है धर्मशाला का, क्रिकेट स्टेडियम, उसको पिक करके उधर भी घुमाएंगे थोड़ा बहुत, देख सकते हैं कैसा है भाई। पानी दे रहे,
आज के ब्लॉग को करते हैं यही एंड। सो जाओ भाई साहब, गुड नाइट बोलो। गुड नाइट, गुड नाइट। कहानी सुननी अली, ठीक है भाई। गुड नाइट, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।